ही गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल गाइज। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी गाइज। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ और यहाँ पे गाइज चाय बन रही है और शरबत भी। भैया लोग आए हुए थे तो यहाँ पे सभी के लिए शरबत और चाय बना रही थी मैं। और गाइज यहाँ पे देखिए, सभी लोग आए हुए थे, मेरे भैया लोग आए हुए थे और गाइज यहाँ पे मॉर्निंग की चाय बन रही है। आप लोग भी चाय पर इन्वाइटेड है, चाय ज़रूर पी लीजिए और शरबत भी। और यहाँ पे मेरी शरबत बन रही है और बहुत ही अच्छी चाय और शरबत बनी थी। मॉर्निंग में पी करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया हुआ था गाइज। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. और यहाँ पे एक कप मेरे लिए चाय है। और गाइज यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों लोग के लिए सब्जी बना दी थी। फटाफट मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले सब्जी बना देती हूँ, ये काम ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं नहा धो करके पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे जो गाइज मैं सब्जी बना रही हूँ, वो सब्ज़ी आलू परवल की सब्ज़ी थी और बैगन लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनी थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बच्चे लोग खा करके बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जिसके लिए यहाँ पर मैंने पहले ही टमाटो में ही सारे जितने मसाले मुझे मिलाने थे, अदरक टमाटर और जो भी मसाले थे, वो सभी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हुए थे। और उन्हीं मसाले को यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा और तेज़पत्ते का फ़ोरन और लाल मिर्ची का फ़ोरन दे करके यहाँ पे पहले मैंने मसाले को भूंजे थे। और उसके पहले मैंने यहाँ पे आलू परवल को फ्राई करके निकाले हुए थे, उन सभी को इसमें मिक्स करके मैं भून करके यहाँ पर पानी वगैरह डाल करके सीटी लगाई थी। और गाइज इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि क्या ही बताया आप लोगों को। एक बार इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही फटाफट ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है गाइज। खा करके तो बहुत ही बच्चे लोग को मज़ा आ गए हुए थे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे। गाइज आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही नहीं किए होंगे, इसलिए अभी से ही लाइक कर दीजिए। अभी फटाफट मेरे कहने के बाद आप यहाँ पर लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर सोना आ गई हुई है नहा धो करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए। बालकनी से ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करती है। और गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और गाइज आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। और गाइज यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी हुई है और यहाँ पे मैंने भोले बाबा, माता रानी, सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और गाइज आप लोग भी मंदिर से प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। गाइज आप लोग मेरे परिवार हैं, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोग भी मंदिर से प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। अभी नवरात्रा चल रहे हैं गाइज, एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। और आज गाइज पाँचवीं पूजा का दिन है तो यहाँ पर स्कंद माता की पूजा मैंने की है। और आप लोग भी गाइज स्कंद माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। गाइज आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, जिंदगी में खूब तरक्की करे, खूब ऊंचाइयों तक जाए, मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है। और गाइज एवन सोना चैनल के जितने परिवार है और आगे जितने भी जुड़ेंगे, एवन सोना चैनल जितना भी इसका परिवार बड़ा होगा, माता रानी उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना करके रखे, मेरी भोले बाबा माता रानी से यही प्रार्थना है। और गाइज यहाँ पे सोना भी पूजा की है और ये मेरी बिटिया बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में इसको मन लगता है। और यहाँ पे संध्या आरती का समय है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और यहाँ पे गाइज ना शाम का समय था तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए हुए थे। और गाइज कुछ सामान आए हुए थे तो यहाँ पे मैं सामान को भी सभी जगह पे रखने थे सभी को। और यहाँ पे ये पार्ले जी का बड़ा सा डब्बा आया हुआ था, बच्चे लोग को ये पार्ले जी बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये डॉग वगैरह जो आते हैं बाहर में, उन लोगों को भी ये खिलाते हैं। और यहाँ पर गाइज ये दूध मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हुई थी।
और गाइस यहाँ पे भैया लोग ने बोले थे कि आज भैया लोग यहीं पे थे तो बोले थे कि आज मैं नाइट को सब्ज़ी बनाऊंगी और तुम आराम से रहो और यहाँ पे मैं खुद से सब्ज़ी नहीं बिरयानी बनाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा गाइस बिरयानी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चे लोग खाए थे, बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे सभी लोग। मुझे तो पता नहीं कि कैसे बने थे, मगर मैं यहाँ पे अपने लिए पीनट फ्राई कर रही थी और इनके लिए भी, और यही मेरे नवरात्रा के समय में, शाम के समय में यही कुछ थोड़ा बहुत खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ। और गाइस अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना कि क्या ही बताएं आपको, एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है। सभी काम धाम सभी काम वगैरह को देखने के बाद पूजा पाठ हर एक चीज़ करते हुए मन में इतनी पॉजिटिव फील होती है ना कि क्या ही बताएं आपको, हमेशा इतना अच्छा लगता है ना, मन एकदम खुश रहता है अंदर से। थकावट जो होती है ना उसकी एक रंज मात्र भी नहीं होता है, फील नहीं होता है, चेहरे पर तो दिखता है मगर अंदर से फील नहीं होता है, क्योंकि अंदर से इतना काम करने के बावजूद भी इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है, हर जगह लगता है कि पॉजिटिव वातावरण छाए हुए हैं एकदम हर जगह। गाइस क्या ही बताएं आपको, आप लोगों को भी ऐसे लगते हैं क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ में तो ऐसा ही होता है, नवरात्रा के समय में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए भैया अपना बिरयानी बनाने की तैयारी में जुट गए हुए हैं और यहाँ पे किचन में आ गए हुए हैं। भैया बिरयानी बना रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बिरयानी उनकी टेस्टी बनी थी, मुझे तो इतना इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा था कि क्या ही बताया। मैंने बोला भैया नवरात्रा के बाद एक बार आप आइएगा और इसी तरीके से बिरयानी बनाकर मुझे भी खिलाइएगा, तभी तो मुझे पता चलेंगे कि आप कैसी बिरयानी बनाए थे। स्मेल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मुझे भी बहुत ही मन कर रहा था, तो मैंने बोला कि आप नवरात्रा के बाद मुझे ज़रूर खिलाइएगा। मामा जी बना रहे हैं बहू रेसिपी। हाँ मामा जी का गंदा बनाएंगे, गंदा बनाएंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे। अच्छा नहीं बनेगा, नहीं अगर कहीं अच्छा बनाता तो तुम्हारा थाली छिन जाएगा क्या? ठीक आपको हम देखेंगे तब ना। इधर आ जा, देखो इधर छत में है बड़ा मछिया। और यहाँ पे गाइस सोना जो है ना कि मामा जी को बहुत चिढ़ा रही थी, मामा जी अच्छा स्मेल नहीं है, आप अच्छा नहीं पकाते हैं, मम्मा बहुत अच्छा बनाती है, आप अच्छा नहीं बना रहे हैं, यही सब बात करते हुए मामा जी को चिढ़ा रही थी। और उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुश हो रही थी इस तरीके से देख रही थी कि मामा जी बना रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा गाइस इंजॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे गाइस जो भैया बिरयानी बनाए हुए थे उसके दो मसाले तैयार किए हुए थे, आप लोगों को डिटेल में मैं कभी फिर से बना करके मैं खुद से जब बनाऊंगी तो आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से कौन कौन से मसाले डाल करके दो तरीके के मसाले बनाए थे, और इस तरीके से जो बिरयानी बनाए हुए थे वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आयुष भी खाए हुए था उस दिन और बोल रहा था मम्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। मैंने बोले बच्चे लोग को कि हाँ नवरात्रा है अभी तो आप लोग नहीं खाते हैं, मगर यहाँ पर बन रहे हैं तो आप लोगों को मन कर गया है तो खा ही लो, एक दिन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बिरयानी का प्रोसेस चल रहा है और वाकई में गाइस देखने में तो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे, मैं तो खाई नहीं थी मुझे पता नहीं, मगर दिखने में बहुत ही ज़्यादा गाइस अच्छे लग रहे थे और टेस्ट भी वाकई में अच्छा ही होगा। जो कहते हैं ना कि हाँ दिखने में जो चीज़ अच्छे होते हैं और वो खाने में भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि खाने से पहले तो आदमी देखता है उसकी खूबसूरती कि हाँ भाई वो चीज़ कैसी बनी है, तो खाने में जो देखने में अच्छे लगते हैं उसी के बाद तो लोग खाते हैं, तो खाने में ही वाकई में अच्छे ही बने होंगे। मैं खाई नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं सकती। और गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग अगर थोड़े भी अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। गाइस आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। गाइस इस ब्लॉग में तब तक के लिए इतना ही, फिर से मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर गाइज, लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय बाय।
और गाइज आप लोग हमेशा खुश रहा करिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ मिलती है और वो हर एक चीज़ को ढूंढना पड़ता है गाइज, और बहुत ही उस चीज़ों को पकड़ करके इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ही तो खुशी है गाइज, बड़ी चीज़ों से खुशी नहीं होती है। हर एक छोटी छोटी मोमेंट जो होती है वो बहुत ही खुशी का एहसास दिलाती है। Thank you.